जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर में आपस में वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो तभी इनके पीछे लगे मिरर में भुतनीन का प्रतिबिंब भी कैप्चर हो जाता है और ये दृश्य बहुत ही चौंका देने वाली लगती है। No, I don't get a weird feeling in this room at all. Do you feel weird, Becca? I actually do feel kind of weird in this room. Yeah? It's that we know what happened here, and we know the story behind it, and overall, I think it's just pretty creepy. Yeah. अगर आप भी झूलों में बैठने के शौकीन हैं तो जरा आप संभल जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप झूलों में बैठे। आपको क्या लगता है इस बच्चे के साथ झूले पर कौन था? और इस बच्चे से पूछने पर वह भी अपनी मम्मी से पूछने लगता है कि कौन बैठा था मेरे साथ, और वह अचानक गायब भी हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज को माई हाउस हंटेड नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने पोस्ट की थी। ये फुटेज देखकर आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में कैसे ये इनविजिबल घोस्ट इस घर में अजीब तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा होता है, और ये इनविजिबल घोस्ट सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। दोस्तों, जब ये लोग मृत व्यक्ति के लिए कब्र खोद रहे होते हैं तो तभी इनमें से एक शख्स को कुछ ऐसा दिखता है जो कि अपने फ़ोन के कैमरे में हैरान कर देने वाले दृश्य को कैप्चर कर लेता है।
यह फुटेज अफ्रीका का है और इसे ईएल गेप नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई थी और ये आदमी पता नहीं कैसे दीवार के अंदर से रहस्यमय तरीके से बाहर आ रहा होता है। आपको क्या लगता है, ये शख्स इंसानी रूप में शैतान है या फिर कुछ और? आपका इसके बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ।